बच्चों, हम पढ़ रहे शिक्षा पाठ और शिक्षा पाठ के प्रश्नोत्तर पर आ गए। हम अब देखेंगे अभ्यास के गतिविधि पर। यह है अभ्यास की गतिविधि और पहला मुख्य प्रश्न है बच्चों, आपको दिया गया है कि एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न दिया गया है। कुल मिलकर आपको यहाँ पर 8 प्रश्न है। देखेंगे प्रश्न और उत्तर कौन कौन से है। पहला प्रश्न आ गया बच्चों, शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है? और उत्तर है, शिशु ने रो रो कर हंसने को सीखा है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है बच्चों, शिशु ने लघु होकर क्या सीखा है? और शिशु ने लघु होकर बढ़ने को सीखा है। तीसरा प्रश्न है, शिशु ने चलना कैसे सीखा है? और जैसे शिशु गिर गिर कर ही चलने को सीखा है, या शिशु गिर कर चलना सीखा है। चौथा प्रश्न है बच्चों, चंगव ने क्या सीखा है? उत्तर है, चंगव ने गिर कर चढ़ने को सीखा है। छठा प्रश्न है, मुरली ने गाना कैसे सीखा है? मुरली ने उर छेद कर गाना सीखा है। सातवां प्रश्न है, वारीधरों ने पानी बरसाना कैसे सीखा है? मिट मिट कर वारीधरों ने पानी बरसाना सीखा है। और अंतवा आठवां प्रश्न है बच्चों, नदियों ने बहना कैसे सीखा है? तरु गिरिवर से गिरकर नदियां बहना सीखा है। इस प्रकार आपको 8 प्रश्न थे कि बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। बच्चों दूसरा गतिविधि है आपके लिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है निम्न दिए गए प्रश्नों के। यहाँ पर 2 प्रश्न है आपको, ओके। पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है बच्चों, शिशु ने दुनिया में आकर पहले क्या क्या सीखा है और कैसे सीखा है? और उत्तर है, शिशु ने दुनिया में आकर रोना, हंसना और चलने को सीखा है। शिशु रोकर हंसने को सीखा है और गिरकर चलने को सीखा है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पानी कैसे बरसता है, नदियां कैसे बहती है? बादलों ने मिट मिट कर पानी बरसते हैं और नदियां वृक्ष और पर्वतों से गिरकर बहना सीखा है। यह थे 2 प्रश्न 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए। बच्चों तीसरा जो गतिविधि आपके लिए करना है कि अनुरूप शब्द है। यहाँ पर पहले 2 शब्दों के संबंध आपको ग्रहण करना है, फिर तीसरे शब्द का संबंध आपको लिखना है। प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है, पहला चंग चढ़ना, फिर वारीदर बरसाना। दूसरा, दुनिया जगत उर छाती, नदी बहना, मुरली गाना। भूख प्यास शब्द युग्म है और मिट मिट कर द्विरुक्ति, इसे पुनरुक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। यह था बच्चों 4 प्रश्न अनुरूपता शब्द लिखने के लिए। बच्चों अब चलेंगे हम 4th प्रश्न पर। आपको 4th प्रश्न जोड़कर लिखना है। मैं पहले यहाँ पर जोड़कर ही उत्तर लिखा हूँ, सुमेलित किया हूँ। प्रश्न और उत्तर सही इस प्रकार है, शिशु हंसना, गिरिवर नदी, चंग चढ़ना, फिर अंत में गाना है बच्चों मुरली, ओके। ये सही उत्तर है। आगे चलेंगे, 5th प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। कि आपको यहाँ पर भी 4 विलोम शब्द लिखने के लिए दिया गया है। उसमें पहला विलोम शब्द और उत्तर इस प्रकार है, रोना का विलोम शब्द है हंसना, फिर चढ़ना का उतरना, मिटना का घटना होता है या जोड़ना भी होता है, और चौथा है बच्चों गिरना है, और गिरना का सही उत्तर है कि उठना। ये 4 शब्द थे कि विलोम शब्द में लिखने के लिए। 6th प्रश्न है बच्चों, आपको अन्य वचन रूप लिखना है। यहाँ पर आपको एक वचन के शब्द है उसको बहुवचन में परिवर्तन कर लिखना है। पहला प्रश्न है नदी, नदी का अन्य वचन रूप नदिया है, और दूसरा है मुरली, मुरली का अन्य वचन रूप मुरलिया, वाणी, वाणी का वाणी, और चौथा स्मृति है, और स्मृति का बहुवचन रूप या अन्य वचन रूप है बच्चों स्मृतिया। अब 7th प्रश्न है बच्चों, आपके लिए पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी समानार्थक शब्द लिखना है। एक ही उत्तर देने वाले, एक जैसे अर्थ देने वाले अन्य शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपको पता ही है, आप पिछले कक्षा में पढ़े हो। देखेंगे आपको यहाँ पर शब्द और उत्तर कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न था बच्चों, आपको शिशु के लिए पर्यायवाची शब्द लिखना है। हम शिशु को लड़का कहते हैं, बच्चा, बालक भी कहते हैं। दूसरा वारीधर है, और वारीधर के लिए पर्यायवाची अर्थ देने वाले शब्द है बादल, मेघ, जलधर, घन, पयोधर, अन्य शब्द भी है बच्चों। और दुनिया के लिए जगत कहते हैं, संसार, विश्व, और चौथा शब्द है बच्चों चंग है, चंग को पतंग कहते हैं।
इस प्रकार इन चार शब्दों को आपको क्या करना था कि पर्यायवाची शब्द लिखना था। बच्चों एक आठवां जो गतिविधि है मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, आपके पुस्तक में देखना है वो कैसे है वैसे आपको लिखना है। यानी वहाँ पर आपको दिया गया कि तार वाले, थाप वाले, अन्य संगीत साधनों की सूची है। वहाँ पर आपको संगीत साधनों की सूची दिया गया है, वहाँ पर वही आपको क्या करना है कि लिखना है। जैसे आपको अलग कर कर भी आपको लिखने के लिए प्रयास करना है। अब चलेंगे अगला जो गतिविधि है बच्चों, नौवां है नमूने के अनुसार सही वर्तनी शब्द को लिखना है। आपको दो दो शब्द दिया था लेकिन उसमें सही वर्तनी शब्द को चुनना था। पहला उत्तर में यह सही है बच्चों दुनिया, और दूसरा में सही उत्तर है शिशु, और तीसरा में है मुरली, और चौथा में है बच्चों गिर। फिर दसवां प्रश्न था बच्चों आपके लिए, आठ नदियों के अधूरे नाम दिए गए थे और ऊपरी आपको कोष्टक में उन पूरे नदियों के नाम दिए गए हैं, और वहां पर आपको क्या करना था कि वो वृक्ष की जो शाखा है ना उस पर एक एक अक्षरों को क्या किया गया था, आपको मिसिंग किया गया था, उसी एक वर्ण को आपको क्या कर भर कर नदियों के नाम को पूरा करना था। ओके, वहां पर अलकनंदा है, देन यमुना है, घाघरा, कोसी, महानंदा और मंदाकिनी, कावेरी, गंडक और अंत में है एक बच्चों। इस प्रकार नदियों के लिए शब्द थे। और आपको इस पाठ के अंत में एक गतिविधि दिया गया कि पहले चार पंक्तियों को कंठस्थ करना था, और पहले चार पंक्तियां कौन कौन से है आपको पता ही है। शुशुने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। इन चार पंक्तियों को आप कंठस्थ करना है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही बच्चों प्रामुख है। ओके, और मिलेंगे बच्चों यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। मिलेंगे और भी एक नए पाठ के वीडियो में।